सीकर संसदीय क्षेत्र के लिए कांग्रेस ने सुभाष महरिया को अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिससे कांग्रेसियों की में खुशी की लहर छा गई। सभी ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष महरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने जो उन पर विश्वास जताया है, वो उस पर अवश्य खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि महरिया पहले भाजपा की ओर से 3 बार सांसद भी रह चुके हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में सुभाष महरिया को भाजपा की ओर से टिकट नहीं दिए जाने पर बगावत कर दी गई और निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकी थी। इसके बाद महरिया कांग्रेस में शामिल हो गए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, उनकी पूरी टीम ने, हमारे प्रदेश के नेताओं ने, हमारे लोकसभा क्षेत्र के नेताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, कार्यकर्ताओं ने और सीकर हमारे पूरे संगठन ने जो मुझ में विश्वास जताया है, उसके लिए तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते सीकर लोकसभा क्षेत्र जागरूक लोकसभा क्षेत्र है। यहां के किसानों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां के मजदूर भाइयों के लिए जो समस्याएं मुंबई खड़ी हैं, उनके समाधान के लिए, चाहे वो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से पानी लाने के लिए जोरदार शुरुआत करूंगा। यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।